स्वागत है आप सभी का मोटर ड्राइव 24 पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लेके आया हूँ बलेनो का जेटा AMT वेरिएंट। ये गाड़ी डायरेक्ट कंपटीशन करती है टाटा की अल्ट्रोज और हुंडई की i20 को, और इस गाड़ी का बड़े आराम से हर महीने 15,000 से 18,000 यूनिट बिक जाता है। अगर आप लोगों के पास 8 लाख से 9 लाख के बीच का बजट है तो आप बलेनो का ये जेटा ऑटोमेटिक वेरियंट ज़रूर से चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मारुति का कोई भी गाड़ी लेना है तो आप पास्को नेक्सा में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये प्लेटिना टावर में पड़ता है वेस्टर होटल के अपोजिट। बाकी चलिए इस बजट में आपको ये वेरिएंट क्या क्या फीचर ऑफर करती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है DRL के साथ, टर्न सिग्नल यहाँ पे हो गया। नीचे की तरफ आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाता है, फॉग लैम्प आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। और यहाँ पे इसका ग्रिल देखें तो सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। कोई ग्लॉसी मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, प्लेन में ही ग्रिल है, लेकिन बड़ा सा क्रोम इंसर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी फ्रंट से गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है, काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। इसका साइड प्रोफाइल चेक करें तो गाड़ी कुछ इस तरह से दिखती है साइड से। इसका टायर चेक करें तो आपको यहाँ पे सिल्वर कलर का अलॉय व्हील मिल जाता है। 195/55 R16 inch का आपको टायर सेक्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे बॉडी कलर में ORVM मिल जाता है टर्न सिग्नल के साथ। आपको क्रोम इंसर्ट मिल जाता है जो कि क्वार्टर ग्लास तक गया हुआ है। क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। 170mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको कोई भी डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है। आपको यहाँ क्वार्टर ग्लास दिया गया है जो फ़ायदा करता है कि अंदर का केबिन थोड़ा सा एयर फिल कराता है आपको। बाकी गाड़ी पीछे से कैसी दिखती है तो ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल माइक्रोवेव एंटीना मिल जाता है, रियर स्पॉइलर मिल जाता है, स्टॉप लैंप मिल जाता है, रियर डिफॉगर मिल जाता है, वाइपर भी आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ पे आपको बलेनो का बैजिंग मिल जाता है, क्रोम इंसर्ट मिल जाता है, यहाँ पे सुजुकी का बैजिंग हो गया, आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, और आपको इस वेरिएंट में भी LED टेल लैंप मिल जाता है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है और 4 पार्किंग सेंसर आपको मिल जाता है। और पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह दिखती है। चलिए अब आपको अंदर चलते हैं और गाड़ी अंदर से दिखाते हैं। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, आप चाबी अपने पॉकेट में रखिएगा, इसको प्रेस करिएगा, गाड़ी लॉक अनलॉक यहीं से हो जाएगा। अंदर की तरफ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, ब्लूइश शेड आपको मिल जाता है। चारों पावर विंडो आपको मिल जाता है, ग्लॉसी मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM मिल जाता है। क्रोम इंसर्ट का यूज़ यहाँ किया गया है। बाकी आपको यहाँ पर 1 लीटर का बोतल आप रख सकते हैं। कुछ स्टोरेज एरिया आपको यहाँ भी मिल जाता है। इसका सीट देखें तो आपको हाइट एडजस्टमेंट सीट भी मिल जाता है और फैब्रिक सीट आपको मिलता है इसमें। और आपको इस वेरिएंट में 6 एयरबैग मिल जाता है। यहाँ पे बैजिंग देख सकते हैं 6 एयरबैग का। आपको यहाँ का 2 एयरबैग यहाँ मिल जाता है, पिलर में आपको कर्टन एयरबैग मिल जाता है, और 2 एयरबैग आपको डैशबोर्ड में मिल जाता है। बाकी अंदर बैठते हैं, दरवाज़ा लगा लेते हैं। तो ये इसका स्टेयरिंग व्हील, आपको यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कोई क्रूज़ कंट्रोल आपको यहाँ नहीं मिलता है। आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाता है, कोई रेंज सेंसिंग वाइपर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको सेंटर में छोटा सा MID डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको कोई भी वैरायटी मिरर नहीं मिलता है। यहाँ पर लैम्प हो गया येलो कलर का, यहाँ पर आपको वैरायटी मिरर मिल जाता है। और इसका डैशबोर्ड देखें तो हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ भी आपको ब्लू शेड मिल जाएगा, यहाँ सिल्वर फिनिश आपको दिया गया है। और सेंटर में आपको 7 इंच का बड़ा सा टच स्क्रीन मिल जाता है। यहाँ AC वेंट हो गया, और आपको इसमें भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बलेनो का बेस वेरिएंट से ही आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा पार्ट है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाता है Type-A। यहाँ कुछ स्टोरेज एरिया हो गया, यहाँ पे आप बोतल रख सकते हैं। और ये है इसका 5-speed का AMT गियर बॉक्स। आपको यहाँ पे मैनुअल में हैंडब्रेक मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ। ये रहा इसका आर्म रेस्ट, यहाँ पे कुछ स्टोरेज मिल जाता है, ठीक ठाक है। इसको आप स्लाइड नहीं कर सकते हैं आगे पीछे। इसका ग्लव बॉक्स देखें तो इसका भी साइज डिसेंट है, ठीक ठाक है। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पे कोई आपको हेड अप डिस्प्ले जैसा चीज़ नहीं मिलता है। मैनुअल में ही आपको डे एंड नाइट ORVM मिल जाता है। बाकी ये है इसका फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू। चलिए आप पीछे चलते हैं और आपको इसके रियर सीटिंग कंफर्ट चेक कराते हैं।
तो चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे। तो शुरुआत करते हैं इसके डोर से। तो यहाँ भी आपको 1 लीटर का बोटल स्टोरेज मिल जाता है, कुछ स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ भी सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, क्रोम फिनिश आपको यहाँ पर मिल जाता है। आगे इसका पीछे सीट देखें तो आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। और इसके सीट को आप 60-40 स्प्लिट कर सकते हैं। बाकी सीट देखें तो पीछे का सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको बैठ के दिखाते हैं। तो आ गए हम गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे इसके आगे के सीट को मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया गया है, 5.6 है मेरा हाइट, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लेगरूम स्पेस यहाँ पे मिल जा रहा है। हेडरूम देखें तो हेडरूम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, इतना हेडरूम मिल जा रहा है आपको। यहाँ पे रियर एसी वेंट भी मिल जाता है, 2 आपको यूएसबी पोर्ट्स मिल जा रहा है, टाइप ए और टाइप सी। नीचे की तरफ थोड़ा सा हम्प है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, 3 लोग काफ़ी आराम से बैठ सकते हैं। ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको रूफ़ लैम्प मिल जाता है, इस साइड आपको कोट हैंगर भी मिल जाता है, और पीछे से कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखता है। और इसका बूट देखें तो बूट में आपको लैंप दिया गया है, और 318 लीटर का आपको बूट मिल जाता है, जो काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है इसके साथ, और काफ़ी अच्छा है इसका रियर सीटिंग कंफर्ट है। चलिए अब आपको गाड़ी का इंजन दिखाते हैं। चलिए इसका इंजन चेक कर लेते हैं। तो ये है बलेनो का 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 89.7 PS का और 113 Nm का टॉर्क। और इस इंजन के साथ आपको 22-23 KMPL का बहुत अच्छा माइलेज मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ आपको इंसुलेशन दिया गया है, तो अंदर केबिन में कोई भी आवाज़ नहीं जाएगा। और गाड़ी का इंजन काफ़ी रिफाइन भी है और चलाने में भी काफ़ी मज़ा आता है। चलिए अब इसको बंद कर देते हैं। और इस वेरिएंट की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग मिल जाता है, ABS विथ EBD मिल जाता है, हिल होल्ड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स एंड और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस वेरिएंट के साथ मिल जाते हैं। तो सेफ्टी फीचर वाइज काफ़ी इक्विप्ड है ये वाला वेरिएंट। बाकी दोस्तों यही था बलेनो का ZETA वेरिएंट। आपको ये वाला वेरिएंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग का बजट 8 लाख से 9 लाख के बीच का है, और आप अगर कोई गाड़ी देख रहे हैं तो ये वेरिएंट को ज़रूर से चेकआउट करिएगा। बाकी ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।